बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज क्लास दसम में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी चैप्टर है, उसमें हम एक्सरसाइज 4.4 में ऑलरेडी दो पार्ट वीडियो बना चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट 4.4 का है। आज हम लोग भिन्न संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भिन्न संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। भिन्न होता क्या है पहले ये हम समझें। भिन्न अंश अपॉन हर, अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं, जहाँ हर जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। भिन्न की और परिभाषाएं हैं, इसमें आप लोग को उतना बीच में आना नहीं है। भिन्न और परिमेय में काफ़ी फर्क होता है। खैर, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएं। तो अंश अपॉन हर के हम लोग अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं, और याद रखिएगा कि इसमें हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो भिन्न यदि आपको पूछेगा तो भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर होगा। आइए प्रश्न कह क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करें, 17 में कह रहा है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। जब भिन्न संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप अंश और हर को मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमको एक ही चर में काम करना है, इसलिए क्वेश्चन को लेकर के चलना होगा। कह रहा है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको एक्स मानेंगे। तो अंश जो है हर से अधिक है तो हम लोग किसको एक्स मानेंगे, तो हर को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो अंश मेरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन। बोला है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, तो हर को हमने एक्स मान लिया, तो अंश हो गया एक्स प्लस वन। तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या अभी हम बोले थे, अंश बटा हर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन बटा एक्स हो जाएगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला स्टेप। कह रहा है कि यदि भिन्न से, तो भिन्न क्या आया, तो भिन्न आया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से घटा दिया जाए, किसको घटा दिया जाए, तो इसके व्युत्क्रम को, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। सेम टाइप दो तीन क्वेश्चन, इसलिए इसको समझिए। कह रहा है यदि भिन्न से, तो भिन्न ये हो गया, इससे इसके व्युत्क्रम को घटा दिया जाए, तो व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, घटा दिया जाए तब उसका जो अंतर है 11/30 का अंतर है। अब बन जाएगा, अब तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कीजिए। ऐसा मैथ हम लोग किए भी थे। एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस वन कैंसिल, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 11/30। चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 11 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बाकी आपका काम है, ऐसे हम कर देते हैं पूरा, है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 30 × 1 = 30 होगा, 30 × 2 = 60x प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x, एक तरफ लेके चले जाइए तो हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x प्लस 30 इधर आकर माइनस 30 = 0। अब क्या आ गया, देखिए 11 में 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 में 60 जाएगा तो बच जाएगा 49 माइनस 49x और माइनस 30 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 × 30 कीजिए, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा 330। 330 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 55 और 6 पे हमारा आ जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, 55 में 6 जाएगा, 49 बचेगा, तो 11x स्क्वायर माइनस 55x, क्योंकि माइनस रहना है ना, प्लस 6x माइनस 30 = 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 11x कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 5, फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, 6, तो x माइनस 5 = 0, ठीक है। अब फिर दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, बचेगा क्या, 11x प्लस 6 = 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो x बराबर 5 आएगा, एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो माइनस 6/11 आएगा। क्या बताए थे, भिन्न में एक चीज़ याद रखिए, भिन्न हमेशा
परिमेय संख्या और भिन्न में फर्क क्या है? ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न है। परिमेय संख्या और भिन्न में आपका यही फर्क है कि परिमेय संख्या में हम लोग जो है पूर्ण संख्या लेते हैं, अंश जो है पूर्ण संख्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे देखिए -5/7 परिमेय संख्या है, लेकिन -5/7 एक भिन्न नहीं है। वाय भिन्न मतलब होता है बांटना, फ्रैक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो निगेटिव में डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। भिन्न में हमेशा अंश जो हर है वो पूर्ण नहीं पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण नहीं पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है? जो आपका पूर्णांक कभी भी आपका नेगेटिव होता नहीं है, पूर्ण संख्या नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए सॉरी, पूर्णांक नेगेटिव होता है, पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होता है। तो इसमें आपको भिन्न में हमेशा अंश और हर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ये मान तो आपका होगा नहीं, चूंकि ये मान नेगेटिव है, तो ये मान आपका संभव एक्स का नहीं है। तो कौन सा मान संभव है? एक्स बराबर 5। तब देखिए यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, हर कितना हो जाएगा, तो हर x है तो 5 हो जाएगा। अंश क्या है? अंश है हमारा x प्लस 1, तो 5 है कितना हो जाएगा? 6। अतः भिन्न ही ना प्रश्न में पूछता है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटा हर, तो 6/5 क्या हो जाएगा? 6/5। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। सेम टाइप 2-3 प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए। प्रश्न में कह रहा है किसी भिन्न का अंश हर से अधिक है, जिससे अधिक है उसको x मानिए। यदि हर रहता उससे तो अंश को मानते, ठीक है। तो अंश हर से एक अधिक है, तो हर बराबर x, तो अंश क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो x प्लस 1 अपॉन x। मेन यही तक तो प्रश्न समझना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि भिन्न से, तो भिन्न क्या है? x प्लस 1 अपॉन x में यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा? x अपॉन x प्लस 1 का अंतर, अंतर मतलब माइनस कितना है? 11/30। अब इसको कैलकुलेशन किए, दोबारा कैलकुलेशन कितना समझाएंगे, यहाँ से हम लोग का x का मान आ जाएगा, उसके बाद x निकाल लिए, निगेटिव वाला लेना नहीं है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो अंश और हर निकल गया, तो इस तरह हमारा भिन्न हो जाएगा कितना? 6/5 हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, वही है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। तो आप हर बराबर x मानिएगा, अंश x प्लस 1, सेम क्वेश्चन है, इसके उसमें जोड़ा जाए तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी 15 कर देते, कौन था 18, 19 भी आपका वही है, व्युत्क्रम में घटाया जाए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, सेम टाइप का प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 19, तो इसी तरह 20 आ जाते हैं, 20 नंबर, ठीक है। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, किसी भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। इस बार हम लोग किसको एक्स मानेंगे? अंश को। तो माना अंश बराबर एक्स, तो हर बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर क्या बताएं हम? अंश बटा हर, तो हो जाएगा एक्स बटा एक्स प्लस 3। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है यदि अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, यदि अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, अंश में एक जोड़ा जाता है, तो पहले से अंश कितना है? x प्लस 1 बटा x प्लस 3 प्लस 1। अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें, तो नए भिन्न, तो ये नया भिन्न हो जाएगा, और मूल भिन्न का अंतर, अंतर मूल मूल मतलब क्या होता है? पहला वाला भिन्न, तो पहला वाला भिन्न क्या है? x बटा x प्लस 3 का अंतर 9 बटा कितना हो जाता है? 88। 9/88। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में भी एक जोड़ दीजिए, तब नया भिन्न, नया भिन्न ये हो गया मूल भिन्न, मूल भिन्न ये वाला है, दोनों का अंतर हो जाता है 9/88 हो जाता है। बाकी आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस x अपॉन x प्लस 3 बराबर 9/88, है ना। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 9/88, 9/88 है ना, नहीं जी, नौ बटा अट्ठासी नहीं है, अगला प्रश्न वाला हम 9/88 लिख दिए, यहाँ पर 1/24 है, ठीक है, 1/24 है, मिस्टेक हो गया था, 1/24
24 है। चलिए कुछ नहीं है, देखते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ये कैंसिल, तो x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 24। इसको कैलकुलेट कीजिए, पहले गुना कीजिए x इंटू x, एक्स स्क्वायर x गुना 3 3x, 1 इंटू x x, 1 इंटू 3 3, माइनस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन, इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग अच्छा से, प्लस 4x 4 × 12 बराबर 1/24। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3x 1x 4x, 4x में 4x जाएगा कट जाएगा तो सीधा बच जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3 × 24 बराबर, ठीक है ना, ये कट ही ना जाएगा, क्या आ गया 1 इंटू समथिंग कीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर 4 × 3 = 7x प्लस कितना 12 हो जाएगा, कितना आ गया तो आ गया x स्क्वायर प्लस 7x 24 × 72 12 में 72 जाएगा तो माइनस 60 बचेगा, 60 मिलाना है 7 तो 12 × 5 = 60 तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 बराबर 0। फिर क्या कॉमन है, x प्लस 12 कॉमन है, x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो माइनस 12 आएगा, एक बार इसके बराबर 0 कीजिए, हमने क्या बोला था माइनस मान नहीं लेने, तो x बराबर 5 लेंगे ना, ये लेंगे तब हमारा, इसलिए x का मान 5, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश x था तो 5 ही हो जाएगा, हर हमारा क्या था x प्लस 3 तो 5 × 3 = 8, अतः भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न बराबर क्या बताए थे अंश बटा हर, तो 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये भिन्न संबंधित आपका दूसरा टाइप में हमने बताया, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्कीस नंबर, यही है आपका 3 जोड़ दिया जाए तो, है ना, मूल भिन्न और नए भिन्न का अंतर है 9/88, इसी टाइप से बना लीजिएगा। 22 नंबर भी यही है, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/28 हो जाता है, सेम क्वेश्चन है, 22 छोड़ देते हैं, 21-22 सब सेम है, ठीक है, भिन्न संबंधित एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से फिक्स है लॉन्ग में, इसलिए आप लोग इसमें प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इसलिए हमने इसका एक वीडियो ही बना दिया है, इसमें भिन्न के अलावा कोई आपको हम प्रश्न नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए 23 भी आपका यही है, तो भिन्न संबंधित प्रश्न यहाँ तक था जो कि आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा ज्यामिति का कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है ना, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण हाइपोटेनस लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है और तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है ना। चलिए देखिए कुछ नहीं है, समझिए, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ए समकोण का एक कोण क्या होता है 90 होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना। प्रश्न बोला है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है, देखिए अब तो कन्फर्म है कि ये हमारा कर्ण होगा, अब बात ये है कि लघुत्तम भुजा कौन होगा सर, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, तो आप जिसको मानिए लघुत्तम भुजा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार को लघुत्तम भुजा मानते हैं तब इसको एक्स मानिएगा, यदि आप इसको मानते हैं तो अब इसको मानिएगा, जिसको मानिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं, माना लघुत्तम भुजा ए बी को हम लोग मान लेते हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा
एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्ण, तो कर्ण इसमें कौन है, एसी। क्या बोला है, लघुत्तम भुजा के दुगने से, तो एक्स का दुगना कितना, टू एक्स, छः अधिक है, छः अधिक मतलब प्लस सिक्स, अर्थात ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स, ये हो जाएगा एक्स। अब क्या बोला है, अब बोला है यदि तीसरी भुजा इससे, कर्ण जो है तीसरी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तीसरी भुजा कौन है, बी सी। तो कर्ण देखो यहाँ पे समझो जरा सा, बी सी जो है ए सी जो है बी सी से, क्या बोला, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, अच्छा बी सी जो है ए सी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण क्या है, पहले 2x + 6 में 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2x + 4, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2x + 4। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए आप लोग, बोला है लघुत्तम भुजा आप किसी को ही मान लीजिए, किसी को मतलब कि इसको नहीं मानेंगे, या तो इसको, हमने लघुत्तम भुजा इसको ए बी को मान लिया, तो कर्ण जो है लघुत्तम भुजा के दुगना से 6 अधिक है। अब बोला है तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा बी सी हो गया, तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण क्या है, 2x + 6 से 2 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब -2, तो 2x + कितना हो गया, 4। अब हम लोग देखिए एक चीज पढ़े हैं, एक ज्योमेट्री में पढ़िएगा आप लोग, अभी ज्योमेट्री नहीं हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सबसे लंबी भुजा मतलब कर्ण, वो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो कर्ण कौन है भाई, तो कर्ण है एसी, तो एसी का जो स्क्वायर है वो एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो एसी का मान रख दीजिए, एसी क्या है, तो एसी है 2x + 6 का होल स्क्वायर, एबी क्या है, एबी आपका है एक्स स्क्वायर, इधर क्या है, इधर है 2x + 4 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है और x का मान निकालना है, निकालिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4x² 6 का स्क्वायर 36, 2 × 2 = 4, 6 × 24, इधर x स्क्वायर इधर कीजिए तो 4x², 4 × 16, 2 × 2 = 4, 16x, 4x² 4x² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए, सबको इधर ले आइए, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए 16x, ये 24x, तो 16 में 24 जाएगा तो -8x, ये देखिए 36 इधर आ जाएगा, 16 में 36 जाएगा तो -20, ठीक है। तो क्या आ गया क्वाड्रेटिक, मेरा क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर -8x -20 = 0। अब 20 में लाना कितना है 8, तो 10 × 2 = 20, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -10x + 2x - 20 = 0। दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 10, फिर दोनों में क्या कॉमन है 2, तो x माइनस 10 बराबर 0, फिर दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 10, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे। भुजा कभी भी नेगेटिव, भुजा की लंबाई कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये मान संभव हमारा नहीं होगा, ये मान संभव नहीं है, 10 संभव है। तो इसलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा मतलब ए बी, तो ए बी बराबर एक्स बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2x + 4, 10 × 2 = 4, 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2x + 6, 10 × 2 = 6, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 आते हैं।
कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, अच्छा वर्ग की भुजा सभी क्या होती है समान है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर है, वर्ग का परिमाप क्या होता है चार गुना भुजा। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है, यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है तो दोनों वर्ग की भुजा को ज्ञात करें। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई मानना ही पड़ेगा, ठीक है, चूंकि भुजा है नहीं है ना, क्षेत्रफल है, तो मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा एक्स मीटर, माना पहले वर्ग सॉरी वर्ग की भुजा एक्स मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा वाई मीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों का योग कितना दिया है 640 दिया है। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड, अब क्या बोला है उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है, तो भुजा का परिमिति क्या होता है चार गुना भुजा, तो पहला वर्ग का परिमिति क्या हो जाएगा 4x, दूसरा वर्ग का परिमिति क्या हो जाएगा 4y, और दोनों में अंतर कितना है 64, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 64, 16 चौके 64, तो कितना आ गया x माइनस वाई बराबर 16, यहाँ से आप लोग y निकाल दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस इधर आकर माइनस, तो x माइनस 16 बराबर आ जाएगा y, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y का मान फर्स्ट में रखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, रखिए क्या है समीकरण फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 640, तो रखो x का मान x ही रहेगा, अब y का मान क्या हो जाएगा x माइनस 16 का होल स्क्वायर बराबर 640, अब इसको तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 और 16 दूनी 32x बराबर 640, कितना x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस 32x, इसको घटा दीजिए तो 640 में 256 जाएगा तो 10 में 6 गया 4 और इधर हमारा 8 5 13 और 5 में से 2 गया 3, 384 बचेगा माइनस 384 इज इक्वल टू 0, अब दो कॉमन ले लीजिए, ठीक है दिख रहा है ना, दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 192 बराबर 0, ये गुना उधर जा कर के भागा कितना आ जाएगा, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 192 बराबर 0, 192 में 16 लाना है 24 8 92 से, ठीक है तो 24 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8x माइनस 192 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 24, 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 24 बराबर 0, फिर क्या कॉमन है x माइनस 24 कॉमन है x प्लस 8 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 तो x बराबर 24, एक बार इसके बराबर 0 x बराबर माइनस 8, भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होता इसलिए यह मान हो जाएगा संभव नहीं है, ये मान संभव है, तो अब बता दीजिए पहले वर्ग की भुजा x है ना, तो y निकालना पड़ेगा ना, तो कहीं भी आप रख दीजिए, चलिए इस x बराबर 24 का मान हम लोग सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड क्या है x माइनस 16 बराबर y, 24 माइनस 16 बराबर y, तो y बराबर 8, इसलिए पहले वर्ग की भुजा x था तो पहले वर्ग की भुजा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा 8 मीटर में चल रहा था मीटर, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये क्वेश्चन नंबर 25 था, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग का आज का होमवर्क हो गया, 1 से 26 कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क हम नोट कर दें, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.4 एक से लेकर के 26 तक, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चैप्टर 1 से 2 क्लास में, 1 या 2 पार्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आपका इसका टेस्ट होगा। आज जूम ऐप लाइव में रात्रि को आज जिन 10 कैंडिडेट्स का टेस्ट है, लिस्ट दे दिया गया होगा, उनका आज टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय।